तो गाइस फाइनली कैरम पुल का न्यू अपडेट आ चुका है बीटा 1 करके, और इस अपडेट में ऑटो प्ले वर्क ही नहीं कर रहा है भाई। लेकिन कोई बात नहीं, एम कैरम वालों ने तो हार ही नहीं मान रहा है यार। आजकल फिर से कोई ना कोई अपडेट लाएगा एम कैरम वालों ने, और अपना टेलीग्राम पर पोस्ट करेगा, और टेलीग्राम के माध्यम से कुछ यूट्यूबर उसको प्रमोट करेंगे, और फिर से चालू हो जाएगा भाई अपना धंधा। कैसा लगा मेरा मजाक? कैरम पुल वर्सेस एम कैरम का लफड़ा और ऑटो प्ले वर्सेस हम लोग का लफड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होगा यार, और कैरम पुल एम कैरम कभी बंद ही नहीं होगा। बंद करवाना है तो कैरम पुल को बंद करवा दो यार, ऑटोमेटिक एम कैरम बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेम कनेक्ट हो चुका है मलानी टेबल में, और अभी जितना भी हम लोग अपडेट इस अपडेट में गेम प्ले किए बीटा 1 में, अभी तक ऑटो प्ले वर्क ही नहीं कर रहा है। देख सकते आप लोग ऑटो प्ले यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। ऑटो प्ले बहुत ही जल्द काम करेगा, अभी एम कैरम वालों ने एक अपडेट लाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा शॉट, ये मेरा फायर प्लेयर का स्किल है। तो यहाँ पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर सेकेंड गेम हम लोग कनेक्ट करवा चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते आप लोग ये कमाल का मेरा फेवरेट शॉट, और यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ अभी, क्या ही बोल सकते हैं यार। अब मेरे को वीडियो कट करना पड़ेगा और ऑटो प्ले को चांस देना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑटो प्ले मिल ही नहीं रहा यार। देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग अनलिमिटेड मेटल्स हासिल कर सकते हैं अपने आईडी में, और देखते हैं क्या सीन होता है। दो तीन दिन में लगता है ऑटो प्ले वर्क करने लगेगा। और यहाँ पर मेरा शॉट देख सकते हैं आप लोग, ये दो मैच हम लोग विन हो चुके हैं, और यहाँ पर थर्ड गेम कनेक्ट करवाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मेरा तो धक धक सी हो रहा है यार। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये ऑटो प्ले है या नहीं। इसका स्ट्राइकर सेंट पावर से लग रहा है ऑटो प्ले है, लेकिन भाई ये ऑटो प्ले नहीं रहता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो गया यार, देख सकते हैं आप लोग। और ये ऑटो प्लेयर ही है, गलती से कैरम पुल का बीटा वर्जन डाउनलोड कर लिया, और ये चेक करने आया है भाई गेस्ट आईडी बना के कि ऑटो प्ले काम कर रहा है या नहीं बीटा वर्जन में। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, अब ये जाएगा ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करेगा, जो पुराना वर्जन है ये तो बीटा, अब लेटेस्ट वर्जन आया है भाई। तो ये अपना काम जारी रखेगा, अपना जो धंधा पार्टी है भाई चलाए। तो चलिए इसके साथ ही आप लोगों का भी डॉट क्लियर हो चुका है कि बीटा 1 अपडेट में ऑटो प्ले वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब कर दो, चलिए बाय।